नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल यश के आल नॉलेज में। किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा कि धनिए की खेती के विषय में। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों ने क्या किया है कि अपने खेतों से काट कर इसे छोटे छोटे गट्ठ बना लिए हैं और उसे इस धनियों को एकांत जगह में रखकर ये सुखा रहे हैं। सूखने के बाद इसकी झुराई होगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से हमारे के धनिये की झुराई होती है और किस तरह से निकलता है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, यहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने धनियों को घोल लिया है और इस तरह से ये इसमें अभी काफ़ी पूरा करकट है। तो ये झोड़ने के बाद ये यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बड़ा सा चलना ले लेंगे और उस चलने में डालकर इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा धनिया स्वच्छ बिल्कुल एकदम निकल रहा है। सफाई आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारे बड़े जो किसान भाई हैं वो बड़े चलने से किस तरह से धनियों को स्वच्छ कर रहे हैं। कीट एक तरफ निकाल रहे हैं और धनिया एक तरफ निकल रहा है। ये बिल्कुल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि ये बिल्कुल स्वच्छ धनिया बाहर निकल के आ रहा है और जो गंदगी है वो चलने में ही रह जाती है। तो मैं आप लोगों को इसके गट्ठर भी दिखा दूँ कि झोड़ने के बाद किस तरह से छोटे छोटे गट्ठर सुखाने के लिए रख दिए गए हैं, वो भी हमारे ईंधन के काम आएंगे। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो धनिया को अपने साफ़ कर रहे हैं, कीट अलग कर रहे हैं और धनिया साफ निकाल रहे हैं। धनिया की खेती के विषय में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, धनिया को झोड़ने के बाद इस तरह से छोटे छोटे गट्ठर हमारे यहाँ साइड में रख देते हैं और जिससे ये बाद में ईंधन बनाने के काम में भी आता है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।